हाय गाइस, माय नेम इज अकी एंड वेलकम टू आवर चैनल टेक यकी। सो गाइस, आज की मैं आपके लिए लाया हूँ अंडर 15,000 बेस्ट स्मार्टफोन्स जो आप इस सेल के दौरान परचेस कर सकते हैं। तो अगर आपको भी इस सेल में 15,000 के अंडर बेस्ट स्मार्टफोन लेना है तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन से ऑफर चल रहे हैं और कौन कौन से स्मार्टफोन्स आप परचेस कर सकते हैं अंडर 15,000। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज, अगर सेल डेट की बात करें तो अमेजन और फ्लिपकार्ट दोनों के ही सेल 3 तारीख से शुरू होने वाले हैं। अगर बैंक डिस्काउंट की बात करें तो अमेजन पे हमें HDFC बैंक पे डिस्काउंट देखने को मिलने वाला है, और अगर फ्लिपकार्ट की बात करें तो उसमें हमें एक्सिस बैंक और ICICI बैंक के कार्ड्स पे डिस्काउंट देखने को मिलने वाला है। तो गाइज, जो हमारा फर्स्ट फोन है वो है रेडमी नोट 10S। इस सेल में हमें 13,000 का ही देखने को मिलेगा, लेकिन इसके ऊपर अगर आप कार्ड का डिस्काउंट अप्लाई करेंगे तो इफेक्टिवली आपको 11,700 में मिलेगा, जो कि मैं कहूँगा अगर आपका बजट 11,700 के आसपास है तो ये काफ़ी अच्छी बेहतरीन डील हो सकती है आपके लिए। सुपर एमोलेड का डिस्प्ले देखने को मिलता है, 64 मेगापिक्सल के क्वाड कैमरास दिए गए हैं, फ्रंट में हमें 13 मेगापिक्सल की सेल्फी दी गई है, 5000mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, 33W का चार्जर भी दिया गया है। और इसके प्रोसेसर की बात करें तो हमें G95 देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है। आप इसके साथ गेमिंग, डे टू डे टास्क आराम से कर पाएंगे, कोई भी लैग या फिर इशू देखने को नहीं मिलने वाला है। तो 11,700 के हिसाब से आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। जो हमारा दूसरा फोन है वो है Redmi Note 10 Pro, जिसका 6+128GB वाला वेरिएंट हमें 16,500 में देखने को मिलेगा, लेकिन अगर इसके ऊपर आप कार्ड का डिस्काउंट अप्लाई करेंगे तो ये आपको 15,000 में देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी वैल्यू फॉर मनी डील है। 128 का सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है, 64 मेगापिक्सल के क्वाड कैमरास दिए गए हैं, फ्रंट में 16 मेगापिक्सल की सेल्फी दी गई है, 5000mAh की बैटरी है, जिसके साथ आपको 33W का फास्ट चार्जर बॉक्स में मिल जाएगा, स्नैपड्रैगन 732G का प्रोसेसर दिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छा है, गेमिंग डे टू डे टास्क आराम से हो जाएंगे। तो ओवरऑल ये काफ़ी अच्छी डील है। अगर आपका बजट 15,000 है तो आप इसे डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। काफ़ी लोग पूछते हैं कि हमें कोई रेडमी या फिर ऐसे कोई दूसरी चाइनीज ब्रांड का फ़ोन नहीं चाहिए, हमें सिर्फ सैमसंग का ही चाहिए, तो ये उनके लिए है। सैमसंग गैलेक्सी M32 12,000 का सेल में देखने को मिलेगा, उसके ऊपर अगर आप कार्ड का डिस्काउंट अप्लाई करेंगे तो इफेक्टिवली 10,800 में मिलेगा। फुल HD वाला 90Hz का सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है, 64 मेगापिक्सल के क्वाड कैमरास दिए गए हैं, फ्रंट में 20 मेगापिक्सल की सेल्फी है, 6000mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, जिसके साथ आपको 15W का चार्जर मिल जाएगा बॉक्स में ही। प्रोसेसर की बात करें तो वो हमें देखने को मिलता है MediaTek Helio G80, के साथ आप लो टू मीडियम की सेटिंग्स पे गेमिंग कर पाएंगे, लेकिन ज़्यादा हाई सेटिंग्स पे नहीं कर पाएंगे, डे टू डे टास्क आराम से हो जाएंगे। तो ओवरऑल मैं कहूँगा कि अगर आपका बजट अंडर 11,000 है और उसमें आप सैमसंग का कोई फ़ोन लेना चाहते हैं तो ये काफ़ी अच्छी डील बन जाती है आपके लिए। सो गाइज, अब आते हैं फ्लिपकार्ट की डील पे, जिसमें से जो पहला फ़ोन है वो है मोटोरोला G60। सेल के दौरान ये 16,000 में मिलेगा, लेकिन इसके ऊपर अगर आप कार्ड का डिस्काउंट अप्लाई करेंगे तो इफेक्टिवली आपको 14,500 में मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि इसमें हमें 6GB रैम और 128GB स्टोरेज देखने को मिलती है, 108 मेगापिक्सल के ट्रिपल रेयर कैमरास देखने को मिलते हैं, फ्रंट में 32 मेगापिक्सल की सेल्फी दी गई है, 6.7 इंचज का बड़ा सा डिस्प्ले देखने को मिलता है फुल HD वाला, 6000mAh की बड़ी बैटरी दी गई है। इसके प्रोसेसर की बात करें तो वो हमें देखने को मिलता है स्नैपड्रैगन 732G, जो कि गेमिंग हो डे टू डे टास्क को आराम से चल जाएगा, कोई भी इशू नहीं आने वाला है आपको। और इसकी UI की बात करें तो वो क्लोज टू स्टॉक एंड्रॉयड आता है, जिससे कि आपको ना कोई एड्स ना कोई ब्लॉटवेयर कुछ भी देखने को नहीं मिलने वाला है, काफ़ी क्लीन एक्सपीरियंस रहने वाला है आपका। तो अंडर 15,000 ये भी काफ़ी अच्छा फ़ोन है, आप इसे डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट फ़ोन है वो है रियलमी 8, जिसका 4GB रैम और 128GB स्टोरेज 16,000 में देखने को मिल रहा है, लेकिन सेल में हमें कार्ड के साथ ये 15,500 में मिल जाएगा। इसमें भी 64 मेगापिक्सल के क्वाड कैमरास दिए गए हैं, फ्रंट में 16 की सेल्फी दी गई है, फुल HD वाला सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है, 5000mAh की बैटरी दी गई है। इसके प्रोसेसर की बात करें तो वो हमें देखने को मिलता है MediaTek का Helio G95। इसमें आप गेमिंग आराम से कर पाएंगे, डे टू डे टास्क भी आराम से हो जाएंगे। तो ये भी काफ़ी अच्छा फ़ोन है अगर आपका बजट 15,500 के आसपास है। तो गाइस, जो हमारा नेक्स्ट फोन है वो है पोको X3 Pro, जिसका 6GB रैम और 128GB स्टोरेज हमें 17,000 में मिल रहा है, और इसके ऊपर भी अगर आप कार्ड का डिस्काउंट अप्लाई करेंगे तो डायरेक्टली 2,000 रुपीज़ ऑफ हो जाएंगे, जिसका मतलब ये आपको 15,000 में मिल जाएगा। बहुत से लोग पूछते हैं कि अंडर 15,000 बेस्ट गेमिंग फोन कौन सा है, तो मैं उन्हें यही रिकमेंड करूंगा। काफ़ी अच्छी डील हमें मिल रही है 15,000 में पोको X3 Pro, जिसमें स्नैपड्रैगन 860 देखने को मिल रहा है, 8 मेगापिक्सल के क्वाड कैमरास दिए गए हैं, फ्रंट में 20 मेगापिक्सल की सेल्फी है, 6.67 इंच का डिस्प्ले दिया गया है फुल HD वाला 128 रिफ्रेश रेट के साथ, 5000mAh की बैटरी दी गई है, जिसके साथ आपको 33W का फास्ट चार्जर बॉक्स में मिल जाएगा,
ओवरऑल ये 15,000 के हिसाब से काफी अच्छी डील है। चलिए अगर आप गेमर है तो आप इसे डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। तो गाइस कैसा लगा आज का वीडियो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए ये कमेंट्स में जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक की जय हिंद।